like a Hellcat. एपिसोड 40 के स्टार्टिंग में कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे चिरपंचोली सूर्य को कॉल करते हैं। सूर्य उनसे पूछते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो बताते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा बीबी पैदा होने के साथ ही मर गया, अब इसमें मैं क्या कर सकता। तो सूर्य वही चीज़ कहते हैं कि तुमने तो मुझे कहा था कि मेरा बेबी पैदा होते ही मर गया। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि वो आखिरकार था तो मेरा ही खून, मैं उसे कैसे तुम्हें दे सकता था। और रही बात जुआ था शादी करने की, मैंने तुम्हें शादी इसलिए करने नहीं दी उससे क्योंकि तुम हमारे लेवल की नहीं थी, पर अब तुम हमारे लेवल पे आ गई हो। या सूर्य अपनी और जय के साथ की मेमोरी याद करती है कि वो उसकी बेबी यानी कि स्काई थी। अब यहाँ सूर्य जाती है, यहाँ जुआन को भी कॉल करके बता देते हैं चेयरमैन चोरी के सूर्य को सब पता लग गया है। जुआन बाहर जाता है जिसका आमना सामना हो जाता है सूर्य से। वो उससे कहता है जय के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सूर्य एक थड़ाथड़ उसको चमचमाट लगा देती है, जिसके बाद उसके पास आके कहता है कि मुझे भी गुस्सा आ रहा है और अगर तुमने मुझे फिर से कुछ करा तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और सूर्य वहाँ से मुंह बना के चिढ़ जाती है, बस मुंह क्या बनाना, मतलब ऐसे बुरा तो लगेगा ही ना। जुआन चेयरमैन चोई से पूछता है कि आपने उसे ये सब क्यों बताया। तो चेयरमैन चोई उसे फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि यंग नाजांग को मारने से पहले यानी कि गोंग सिंह की सिस्टर को मारने से पहले तुम लोग एक लड़की से मिले थे जो कि 20 साल की थी, वो कौन थी। अब ये चीज़ सुन के वो बेचारा परेशान हो जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखा जाता है कि उन लोगों ने इंजो को किडनैप किया था। अब वो कहता है कि तुम लोगों ने उसे पकड़ के चेयरमैन हान के घर पर ले गए जहाँ उसका तुम लोगों ने रेप किया और जब वो भाग गए तो तुमने जो है नाजांग का मर्डर कर दिया क्योंकि उसने सब देख लिया था। यहाँ जुआन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मतलब वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आप क्या बात कर रहे हो। वो कहता है कि मेरे पास सबूत है। वो उसे फ़ोटो दिखाता है, वो तब भी नहीं मानता, वो कंटिन्यूसली ये कहता रहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है कि जब उन लोगों ने नाजांग का कत्ल किया था उस टाइम पर चेयरमैन चोई ने कहा था कि अगर तुमसे कोई भी इस दिन के बारे में पूछे कि और चाहे कोई कितने ही सबूत तुम्हें क्यों ना दिखाएं तो तुम्हें यही बोलना है कि तुमने ऐसा नहीं किया और तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जब तक तुम कन्फेस नहीं करोगे तब तक तुम्हें जेल में नहीं डाला जा सकता। और यही चीज़ सर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ जुमन अपनी वाइफ यानी कि जो ये जेई की जिस हथेली माँ है उसे बता देता है कि जेई सूजे की डॉटर है तो तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। यही ये बात सुन के वो शॉक हो जाती है कि जेई ही मतलब सूजे ही जेई की मदर है, जिनकी बातें सुन लेता है सैंग। और वो कहता है क्या ये सच है कि जेई सूजे की डॉटर है। जहाँ वो कहता है हाँ, वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। चाहे उसे सब बताता है कि हाँ कि जब सूजे प्रेगनेंट थी तो उस टाइम फादर ने उसे US भेज दिया था ये कह के कि वो मेरे से शादी करेगी वहाँ जाके, पर उन्होंने उस ऐसा कुछ नहीं कराया और मुझे वहाँ पर भेजा भी नहीं। वो इतना गुस्सा करता है सैंग और कहता है कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तुमने हालांकि उसकी बेटी को उसे दूर रखा साथ ही तुमने उसके साथ बहुत गलत किया। जहाँ वो कहते हैं कि मैं माफ़ी बिल्कुल मांगूंगा, मैं सिर्फ हमारे फादर से माफ़ी मांग सकता हूँ, उनके अलावा किसी से नहीं। और दोनों के बीच में सूजे को लेकर इसी बात पर लड़ाई हो जाती है तगड़ी वाली। यहाँ ये तीनों बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं इलेक्शंस की, जहाँ पे ये तीनों उनके बेटे आते हैं। अब यहाँ ये सोचते हैं कि इनको बुलाया क्यों जा रहा है। जो खड़े होकर कहते हैं कि नाजांग को मारने से पहले वही सेम चीज़ जो उसने जुआन से कही थी कि तुम एक लड़की से मिले थे 20 साल की और तुमने उसे ड्रग पिला दी थी, उसे किडनैप फलाने मकाना करा था। जहाँ दिखा जाता है एक फ्लैशबैक कि जब हमारा चेयरमैन चीफ बाहर आए थे तो उन लोगों ने कहा था हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये गलती से हो गया। जहाँ पर वो जुआन से काफ़ी पिटाई पटोड़ा लगाता है। अब वो पूछते हैं कि उस लड़की का नाम क्या था, तो मुझे उसका नाम बताओ और साथ में तुमने उसके साथ क्या क्या किया था। जहाँ वो लोग फिर उसे धीरे धीरे करके बताने लगते हैं कि हमने उसे ड्रग कर दिया था और हमने उसका नाम नहीं पूछा, कि हम थोड़ी ये कह सकते हैं कि एक उसको ड्रग पिलाने से पहले उसका नाम हम पूछेंगे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जहाँ पर चेयरमैन जुड़ के काफ़ी गुस्सा आता है, ये लोग कहते हैं कि जुआन तुम भी कुछ कहो ना, लेकिन जुआन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। अब ये दोनों वॉज लाइक झूठे कमीनी, हमें धोखा दे दिया अपने अपने बेटों की ऐसी करतूत तो देखने के बाद चेयरमैन खान और असेंबली मैन ले जो अपने बेटों की वाट लगाते हैं, मतलब क्या पिटाई करते हैं, ये सीन मतलब देखने ही लायक होता है, काफ़ी मज़ा आता है। काफ़ी ज़्यादा मार खाने के बाद फाइनली चेयरमैन चौकी से रोकते हैं कि रुक जाओ अभी ना मारो मत, जिसके बाद वो लोग गुस्से में बैठ जाते हैं। वो जुआन के पास आकर उससे कॉलर पकड़ के कहते हैं कि अब मुझे सच बताओ कि उस दिन क्या हुआ था, नहीं तो तुम्हें मैं मार डालूंगा, सो ये सच कह रहा हूँ मैं। लेकिन तब भी जुआन कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो वो जुआन को दोनों की तरफ मोड़ के कहता है कि जब भी तुमसे कोई सवाल पूछे इस बारे में तो तुम्हारा जवाब यही होना चाहिए जो जुआन ने अभी कहा। अब ये दोनों हमारे काफ़ी
रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो चेयरमैन चोई हमारी सब चीज़ें संभाल सकते हैं। एंड वो चेयरमैन चोई से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे बेटों की इस गलती को भी तुम संभाल लो प्लीज़। यहाँ सूजे की मदर और उसके भाइयों का कैफ़े बहुत बढ़िया चल रहा था, जहाँ आती है सूजे वो बैठती है और उसकी मदर पूछती है क्या तुम्हें कैफ़े हमसे वापस लेना आई हो, तो वो हंस तो मजाक कहती कहती कि नहीं मैंने ऐसा कुछ करने नहीं आई हूँ। एंड वो अपने दोनों भाइयों की तरफ स्माइल करती कहती है कि तुम्हें हार्ड वर्क करना है, और वो चली जाती है। अब ये दोनों वॉज लाइक कि हमारे से पूरी ज़िंदगी में हमसे स्माइल करके बात नहीं की, आज हमारी तरफ देख के मुस्कुरा रही है, पक्का इसकी तबीयत ख़राब है मम्मी जी। यहाँ पे हमारे जेई की जो फॉल्स मदर होती है वो करती है जेई मतलब सूजे को कॉल और उसे मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ चेयरमैन चोई अपने हाइल को से कहते हैं कि तुम उस लड़की का पता लगाओ जिस लड़की को उन लोगों ने क्लब में जाकर ड्रग पिलाई थी, क्योंकि अब जबकि सूजे ने उसे बता दीजिए कोई 20 साल की लड़की थी जिसके साथ इन लोगों ने ऐसा किया, तब तो अब फाइनली मतलब उस लड़की के पीछे ये पड़ ही जाएगा। यहाँ सूजे उनसे मिलना जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारा DNA और जेई के DNA मैच करवा दूँगी। यहाँ ये लड़की कितनी औसम है, मतलब ये जानती भी कि रियल मदर सामने बैठी है तब भी ये अपनी बेटी को ऐसा नहीं कर रही कि मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। अब यहाँ ये जेई को बुलाती है और सूजे और जेई को साथ में घूमने के लिए भेजती है। अब जेई को डर लगता है रोड क्रॉस करने में, तो सूजे उसे गोद में उठा के ले जाती है बीच पे, जहाँ ये लोग काफ़ी अच्छा वक्त स्पेंड करते हैं काफ़ी टाइम के लिए। यहाँ फाइनली जेई की मदर वापस आती है एंड वो दोनों साथ में चले जाते हैं। वो सूजे को जेई के जो होती है DNA वो सब देती है, मतलब उसके बाल वगैरह जो भी कुछ होता है वो सब उसे दे देती है, और कहती है कि जब मैंने तुम दोनों का फ़ोटो खींचा था तब मैं बिल्कुल डर गई थी, क्योंकि जेई कभी भी किसी लड़की से इतना क्लोज नहीं होता जितना क्लोज वो तुम्हारे साथ हुई। उसने जब तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारी तरफ स्माइल किया मैं तभी मेरा दिल थाम चुका था, मैं तभी समझ चुकी थी कि तुम ही उसकी मदर हो, क्योंकि जेई कभी किसी से इतना क्लोज नहीं होती है। यहाँ सॉन्ग भी रिम जाती है जेल के अंदर गीत एग्जाम्पल में, और उसे बताती है कि चेयरमैन जो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने वाला, तुम वो बस तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, तो तुम्हें सूजे के साथ हाथ मिला रहना चाहिए। अब वो बस थोड़ा फोर्सन रखता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। यहाँ गोंगसून और उसकी पूरी टीम सबूत इकट्ठा करने लग जाती है कि उस दिन जो ट्रायल इनका हुआ था, उस दिन जो उनका कोर्ट में केस हुआ था, उसमें जितने भी गवाह थे उन लोगों की गवाही सच थी कि झूठ थी। चेयरमैन यहाँ पे हमारा गोंगसून भी आते हैं एक आदमी से मिलने जिसने कहा था कि हाँ गोंगसून ने मारा, उसने अपनी आँखों से देखा है। अब वो उससे कुछ बातें करता है गोंगसून, तो वो समझ जाते हैं ये किम डोंगू ही है, डोंगू यानी कि चेयरमैन हान का बेटा जिम कर रहा होता है जो चला जाता है। जहाँ पे गोंगसून का फ्रेंड आके उस बॉटल स्पॉटर को उसने पानी पिया था, उस बॉटल को ले लेता है क्योंकि उसे उस पर से फिंगरप्रिंट चाहिए होता है। सेम चीज़ जब असेंबली मैन ली का जो बेटा होता है ही एक वो सब सारा कूड़ा वूड़ा उठा रहा होता है, तो रेयन उसके पास आती है एंड उसका ऑटोग्राफ लेते हैं और ऑटोग्राफ करे पेन का इस्तेमाल करके उसकी फिंगरप्रिंट ले लेती है। यहाँ सॉन्ग मीडियम जोवान का फिंगरप्रिंट ले लेती है किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे इनको बताया जाता है कि मतलब इनके पास जोर डाला गया था कि इन्हें गवाही देनी है गोंगसून के खिलाफ, और वो बिल्कुल पुलिस और जो प्रोसिक्यूटर था डिटरमाइंड थे कि वो गोंगसून को ही उन्हें दोषी साबित करना है। यहाँ गीत कहता है कि अगर तुझे सच में चेयरमैन चोई के खिलाफ जीत सकती है तो मैं उसके साथ हाथ मिलाऊंगा। यहाँ अंकल जी भी बताते हैं गोंगसून को कि केस में मतलब कोर्ट में जाने के थोड़ी देर पहले ही मेरे पास वकील वगैरह आए थे, उन्होंने मुझे धमकाया था कि अगर मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दी तो वो मुझे मार डालेंगे। यहाँ फाइनली हमारे सूजे की और जेई की रिपोर्ट आती है DNA रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा होता है कि ये लोग 99.99% पेरेंट्स हैं, मतलब बायोलॉजिकल रिलेटेड हैं। यहाँ सूजे परेशान, सूजे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि वो जुआ से शादी नहीं करेगी, साथ ही वो टीके लॉ फर्म में एक पार्टनर लॉयर बनके रहेगी एंड इसके साथ साथ वो जेई को अडॉप्ट करेगी और उसे अपनी बेटी बना के रहेगी, और अगर इस चीज़ को चेयरमैन चोई ने नहीं माना तो वो सब चीज़ें बाहर निकाल दीजिए कि किस तरीके से ये मतलब जेई सूजे की डॉटर है। अब जहाँ चेयरमैन चोई उसकी बात नहीं मानते तो वो उन्हें यकीन दिलाने के लिए कहती है कि वैसे जो पार्क सोयान यानी कि वही लड़की जो हमने फर्स्ट सीन में देखी थी जिसने जो जंप मार के सुसाइड कर लिया था जिसकी वजह से सूजे की जॉब गई थी, कि उसने सूजे ने उस लड़की के जो बेबी था मतलब वो प्रेग्नेंट थी ना, तो उसके बेबी का DNA लेके एक आदमी से मैच किया जो कि मैच नहीं किया। वो कहती है कि मुझे लगा था पहले ये चेयरमैन हान होंगे पर ये उनसे मैच नहीं हुआ, इसके बाद मैंने किसी और का मैच किया जो कि 99.98% मैच हुआ जो कि था चेयरमैन चोई का। एंड वो कहते हैं कि तुमने पार्क सोयान का प्रेग्नेंट किया, साथ ही उसका ब्रूटली मर्डर भी कर दिया है, अगर तुमने मेरी शर्तें नहीं मानी तो मैं तुम्हें जो हूँ बाहर एक्सपोज कर दूँगी। यहाँ चेयरमैन चोई कहते हैं कि तुम मेरे साथ ये ऑफ़र रख रही हो, सूजे कहते हैं ये ऑफ़र नहीं है ये एक ऑर्डर है, अगर तुमने 2 घंटे के अंदर इस पर साइन नहीं किया तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। यहाँ हमारे असेंबली ली के खिलाफ सारे काफ़ी सारी चीज़ें फैलने लगती है कि असेंबली में ली की बेटी उनकी सास वगैरह इन सब ने इलीगल तरीके से पैसा कमा रखा है और बहुत बड़े बड़े घर ले रखे हैं।
मिस्टर न्यू सोल्जर को बताते हैं कि वो चिरमन हार्ट के घर में अभी ताका झाकी कर रहा है ताकि उन्हें कोई सबूत मिल जाए। एंड फाइनली काफ़ी कुछ ढूंढने के बाद उन्हें काफ़ी सारे बैग रखे मिलते हैं जो कि एक दीवार के पीछे मतलब किसी ने छुपा रखे थे। यहाँ जुवान चिरमन चोर ये कमरे में वही पेंटिंग देता है जो कि इन्हें मिस्टर यून ने गिफ्ट की थी। अब वो कन्फ्यूज कि इस पेंटिंग का इससे क्या लेना देना है। सोल्जर के पास गोंगसेन का मैसेज आता है जो कि उसे डिनर के लिए बुलाता है। एंड यहाँ ये लोग बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं कि कब सूर्य आएगी। सूर्य आती है कि अचानक से उसके पास कॉल आता है कि जेई अपने घर से गायब है, वो भाग गई। एंड क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो अभी सब चीज़ें हो गई हैं तो सूर्य डेफिनेटली अपनी डॉटर को बचाएगी, तो वो गोंगसेन को छोड़कर चली जाती है। एंड गोंगसेन उसका पीछा करता है कि सूर्य ऐसे कहाँ जा रही है जहाँ पर इनको जेई कहीं भी नहीं मिल रही होती है। एंड जब सूर्य वहाँ पहुँचते तो जेई की मदर से उन्होंने बताती है कि जेई को जब उसने बताया कि वो उसे छोड़ रही है, उसके फादर को डिवोर्स देके US जा रही है अकेले, तो जेई को ये बात काफ़ी बुरी लगी और वो घर से बाहर भाग गई। यहाँ सूजे और ये लोग काफ़ी ज़्यादा जेई को ढूंढते हैं। फाइनली सूजे को हमारे जेई मिल जाती है, वो उसे कंसोल करते और कहते हैं कि मम्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तुम्हें नहीं करेगी। अभी वो उसकी मदर को बता रहती है कि हाँ मुझे जेई मिल गई है, और उसे कहती है कि तुम अभी US मत जाओ, जेई तुमसे बहुत प्यार करती है। यहाँ पे ये जेई जो है जेई जाने लगती है। सूजे उसे कहती है कि अरे रुक जाओ, सामने रोड है, तुम क्रॉस नहीं कर पाओगे। लेकिन तब भी जेई रोड के ऊपर भागती है, ये जानते हुए भी उसे डर लगता है। एंड सूजे उसके पीछे भागते हैं, अचानक से जेई के सामने ट्रक आता है और उसका काम हो जाता है ख़राब। यहाँ सूजे उसके बाकी थोड़े पेरेंट्स वगैरह जेई के सब रोते हैं। यहाँ फाइनली गोंग चैन ये पहुँच जाता है। वो सूजे को उस हालत में देख के काफ़ी कन्फ्यूज होता है कि सूजे रो क्यों रही हैं। यहाँ फाइनली ये बहुत जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में रश करते हैं ऑपरेशन के लिए, पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ऑपरेशन वो नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने आने में देर कर दी एंड वो अब इस दुनिया में नहीं बचे। सूजे को उस बात का काफ़ी बहुत बड़ा गहरा सदमा लगता है। वो अंदर जाने की कोशिश करती है, सारे डॉक्टर उसे रोकते हैं, पर तब भी वो नहीं रुकती और जाती है जेई के पास जाती है और वो काफ़ी रोती है। एंड जेई से माफ़ी मांगते कि मेरे बच्चे मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। यहाँ चेयरमैन जेई को पता लग जाता है उसकी ग्रैंड डॉटर पास जब हो गई हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये अपने ग्रैंड डॉटर से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ सूजे अपनी बेटी को लेकर चेयरमैन जेई को पता लग जाता है कि वादा करते हैं डॉटर जो है कभी किसको हर्ट नहीं करने उसकी आंखों में भी काफ़ी टूट चुकी होती है बेटी की मौत के बाद। और इसी के बाद साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। डॉटर को लेकर काफ़ी रोती है और उसे माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा।